आज हम जिस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो म्यूज़ियम आपके बच्चे के नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप आपके बच्चों को लेके इस म्यूज़ियम में आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे उनको इंडियन हिस्ट्री, नेचर और बहुत सारी जानकारी एक प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू उनको मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन साइट। तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता था। और ये म्यूजियम सिचुएटेड है कुलाबा के पास, यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जस्ट रिगल सिनेमा के ऑपोजिट है। हमने यहाँ से 150 रुपीज़ का टिकट लिया है, जिसमें आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी अलाउड है। और अब हम एंटर कर रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, और राइट साइड में आप देख सकते हैं इसका बहुत ही खूबसूरत सा लॉन है, एकदम ग्रीन और वाइड स्प्रेड, एक बहुत अच्छे एरिया में ये फैला हुआ है और इट्स रियली लुकिंग वेरी गुड। तो यहाँ से अब हम अंदर जाते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है और आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। द पेंटिंग, क्लीनिनेस, एवरीथिंग इज ऑफ टॉप नॉच। और ये जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मुगल, मराठा और जैन के एलिमेंट्स का हमें दिखाई देता है, जो हिसाब से इसे बिल्ड किया गया है। ये म्यूजियम तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सेक्शन है आर्ट, सेकंड है आर्कियोलॉजी और थर्ड है नेचुरल हिस्ट्री। तो इन तीनों चीज को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है और हर एक चीज का एक अलग अलग सेक्शन है, तो आपको अच्छी तरीके से हर एक पार्ट का इन्फॉर्मेशन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सेक्शन पे चलते हैं, जो है स्क्रप्चर्स सेक्शन। जैसे आप एंटर करते हैं तो आपका स्वागत एक नंदी से होता है और ठीक आपके सामने शिव भगवान खड़े हैं। तो यहां से स्क्रप्चर्स की गैलरी स्टार्ट होती है और यहां से आप जितनी भी स्क्रप्चर्स यहाँ पर रखे हुए हैं आप उन सबको देख सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। स्क्रप्चर्स के साथ में सारा डिटेल्स भी दीवारों के ऊपर मेंशन किया गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। मतलब हर चीज़ को आप देख सकते हैं और उस चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने हर एक स्क्रप्चर्स के साथ प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम दूसरे सेशन पे चलते हैं, जहाँ पे आर्म्स यानी शस्त्र और प्राचीन काल के कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स का शोकेस किया गया है। तो आइए इस
सेक्शन को भी एक्सप्लोर किया जाए। अब हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं जहाँ पे काफ़ी सेक्शन है और हर एक सेक्शन को हम जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। यहाँ पे इंडस वैली या मोहेंजोदड़ो के ज़माने के कुछ यूटेंसिल्स और काफ़ी चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है जो रियली अमेजिंग है देखने के लिए। इतने सालों के बाद उन चीज़ों को हमें देखने और समझने का मौका मिलता है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी गैलरी की तरफ जो है इंडियन मेटल एंड डेकोरेटिव गैलरी। तो यहाँ पे काफ़ी भगवान की मूर्तियाँ रखी गई है जो डिफरेंट मेटल्स में बना हुआ है और जो बहुत ही खूबसूरत और एक यूनिक है। ये है विष्णु भगवान के 10 अवतार का मिनिएचर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम यूनिक है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। जो हिसाब से इसे बनाया गया है, जो हिसाब से इसे यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्क्रप्चर्स इन दिस केस। तो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
अभी हम एंटर कर रहे हैं हिमालयन गैलरी में। ये पूरा गैलरी भगवान बुद्ध को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे आपको भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के काफ़ी बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स और स्टैचूज देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो गैलरी है ये आपको एक लद्दाख का फील देगा, आप खुद ही देख सकते हैं। आगे आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये एक लद्दाख में होने का एक एहसास देगा, क्योंकि द वे इट इज़ बीन डिज़ाइन और जो इसे जिस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, ये आपको एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फीलिंग देता है। ये कपड़े के ऊपर हैंड प्रिंटेड किया गया है और दिस इज वेरी वेरी वंडरफुल, क्योंकि बहुत बारीकी का काम किया हुआ है इसके ऊपर। दिस इज रियली अमेजिंग। इसके ठीक नेक्स्ट आपको पेंटिंग का गैलरी मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन काल के पेंटिंग्स रखा गया है एंड सम पेंटिंग्स आर वेरी वेरी गुड। ये जो नेक्स्ट गैलरी है ये मेरा सबसे फेवरेट गैलरी है। ये है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको सारे बर्ड्स, एनिमल्स, सी मैमल्स और बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और ये बच्चों लोग के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव गैलरी है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ उनको सारे एनिमल्स, बर्ड्स और सब जानवरों को एक साथ देखने मिलेंगे, जो प्रैक्टिकली वो देख सकते हैं और वो इंजॉय कर सकते हैं। दिस विल बी देयर फेवरेट गैलरी और बच्चे इस गैलरी को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आइए इसे पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं। बर्ड्स और एनिमल के बाद अब हम चलते हैं ओशन के एनिमल्स की तरफ, जहाँ पे फिश, वेल्स, डॉल्फिन्स और
काफी चीज यहाँ पे है, उन्हें एक्सप्लोर किया जाए। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे है और ये गैलरी का बालकनी है जहां पर भी कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। जस्ट उनको चेक करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको म्यूजियम का एक सोवेनर शॉप भी आपको दिखाई देगा, जहाँ से आप कोई भी सोवेनर यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैंडमेड और काफ़ी अच्छे कलेक्शंस है, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स है जो बुक्स लवर्स है उनके लिए, और काफ़ी सोवेनर्स वगैरह है जो आपके घर के डेकोरेशन के काम में आ सकता है, तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं इनके पास से। ये ग्राउंड फ्लोर पे लेफ्ट साइड पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग रखा हुआ है। आइए मैं इसे आपको थोड़ा क्लोज से बताता हूँ। ये हैंड पेंटिंग है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टूर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का। इस म्यूजियम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, तब जाके आप पूरा म्यूजियम के हर गैलरी को आप विजिट कर सकते हैं, सारी चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जैसे भी मैंने पहले कहा था कि ये म्यूजियम आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके आपके बच्चे को लेके यहाँ पे आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ से मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और दूसरा, कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या कोई दूसरी जगह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप किस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे आने का 2 रास्ता है, एक तो है आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आ सकते हैं, या दूसरा है चर्चगेट रेलवे स्टेशन, वहां से आप यहाँ पे आ सकते हैं। दोनों ही रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ पे आने के लिए डायरेक्ट बस है जो आपको ये म्यूजियम के गेट के सामने ही छोड़ देगा। तो यहाँ पे आना बहुत ही ईजी है। और दूसरा, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पे संडे अवॉइड कीजिए आने के लिए, क्योंकि संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होता है और बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाएंगे और बाकी चीज आप नहीं देख पाएंगे। तो वीक की किसी भी दिन आप यहाँ पे आके ये म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि यहाँ पे अंदर कैंटीन वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको कोल्ड ड्रिंक या वाटर ही मिलेगा, तो आप प्लीज स्नैक्स या वाटर बॉटल आप खुद ही कैरी करके यहाँ पे ले आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से काफी करीब है, मैंने उसका भी एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे इसका भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दोबारा मैं डाल दूंगा, जो आपके लिए इजी होगा। तो चलो सर, गुड नाइट एंड जय हिंद, बाय।